तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके का रील बनाना। सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद के दो फोटोज रेडी करके रख देने हैं। दो फोटो रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है वी एन एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपको एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर आपको दो टेम्पलेट ऐड करनी है, तो दोनों भी टेम्पलेट मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट टेम्पलेट है वो है ये वाला, और जो सेकेंड टेम्पलेट है वो है ये वाला। तो ये दोनों टेम्पलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर रेडीमेड मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से दोनों आपको जो टेम्पलेट है उसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर डाल दूंगा, तो उसमें का फर्स्ट नंबर वाला टेम्पलेट सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको एक फोटो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको आपका एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको वीडियो के ऑप्शन पर जाना है, जो सेकेंड टेम्पलेट रहेगा उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन पर फिर से जाना है, और जो आपका सेकेंड फोटो रहेगा इसे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी 9:16 का एक फ्रेम रेशियो है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो फर्स्ट जो टेम्पलेट ऐड किया है इसके बार को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम आपको 0 0 कर देना है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम पे दूंगा वो ऑलरेडी म्यूट ऑडियो का दे दूंगा, अगर म्यूट ऑडियो का नहीं दूंगा तो आपको ये वाला प्रोसेस करना है। अगर म्यूट ऑडियो वाला दे दूंगा तो यहाँ पर ये वॉल्यूम का ऑप्शन आपका इनेबल ही नहीं हो जाएगा। तो ये आपको कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आके इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर अभी आपको एक बीट ऐड करनी है, तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक करूँ आप देखते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है। तो और ये ऑडियो का बार है, इसे आगे करेंगे तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है वो है 5.06, तो यहाँ पर 5.06 आने तक आपको इसे मूव करना है। और जिस पॉइंट पे 5.06 आ जाएगा उस पॉइंट पे आके आपको रुक जाना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 5.06 आ चुका है, तो इस पॉइंट पे आके नीचे आपको रेड कलर का एक सर्कल दिखेगा जिसमें एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको करना है यहाँ पर जो फर्स्ट टेम्पलेट आपने ऐड किया है इसे इग्नोर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो एक फोटो ऐड किया रहेगा, तो ऑडियो जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ ऑडियो का बार है, इसमें आपको एक छोटी सी वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो उस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट टेम्पलेट के बाद जो फर्स्ट फोटो रहेगा उसे उस पॉइंट तक ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद फिर से आपको जो सेकंड जो टेम्पलेट है इसे इग्नोर करना है, और जो लास्ट आपका जो सेकंड फोटो रहेगा इसे आपको ऑडियो का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक इस तरीके से इसे ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखेगा, इसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर आपका एक परफेक्ट जो रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बना हुआ वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।